हेलो फ्रेंड्स, इट्स अभय रामपाल फ्रॉम एक्सेल सेटल अबरॉड एंड आज की वीडियो डेडिकेटेड रहेगी फॉर न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि जुलाई इनटेक में जौन से स्टूडेंट्स अपना न्यूजीलैंड का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई की थी करें या कॉलेजेस में अप्लाई करें, ओवरऑल न्यूजीलैंड का सक्सेस रेट क्या है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, ग्रीन लिस्ट कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, एज वेल एज पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के बारे में भी बात होगी आज की वीडियो में। सो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है दिस वीडियो फॉर न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन स्टूडेंट्स की बात करें जिन्होंने अपनी प्लस टू 2022 में की है या 2023 में अपनी प्लस टू पास करी है। ऑल्दो न्यूजीलैंड में जिन्होंने अपनी प्लस टू 2021 में ही की है वो भी एलिजिबल है। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द प्रोसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी स्टूडेंट अगर प्लस टू करता है अपनी इंडिया में आईएल्स कंप्लीट करता है उसके पास न्यूजीलैंड में दो ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर डिप्लोमा एंड नेक्स्ट इज योर डिग्री प्रोग्राम। अगर मैं डिप्लोमा की बात करूँ, डिप्लोमा न्यूजीलैंड में अराउंड 2 ईयर्स का होता है, दैट इज़ कॉल्ड बेसिक बैचुलर्स डिप्लोमा। 2 साल का आपका एक अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा होगा। अगर आप एक डिग्री में अप्लाई करेंगे तो आपकी 3 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री होगी। वो आप कॉलेज से भी कर सकते हैं एज वेल एज आप यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। सो एडमिशन रिक्वायरमेंट डिप्लोमा ही रहेंगी, आपकी प्लस टू 2021 से पहले नहीं होनी चाहिए। आपकी प्लस टू में अराउंड 50-60% के बीच में होने चाहिए एंड आपके आईएल्स में ओवरऑल 6 विद नो लेस देन 5.5 इन एनी मिनिमम की स्कोरिंग होनी चाहिए। सो अगर आपकी ये एकेडमिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है तो आपका न्यूजीलैंड का डिप्लोमा सेक्टर में वीज़ा सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप बैचलर्स करना चाहते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। न्यूजीलैंड में बैचलर्स 3 साल की होती है। सो आपकी आईएल्स रिक्वायरमेंट आई थिंक ओवरऑल 6 विद नो लेस देन 6 इन एनी मिनिमम के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं बैचलर्स में एंड बैचलर्स में वीज़ा सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 100% होता है। सो हम नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की। जौन से भी स्टूडेंट ग्रीन लिस्ट की कोर्सेज में जा रहे हैं उन्हीं स्टूडेंट्स को डिप्लोमा में वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको हर एक डिप्लोमा में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलेगा, आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा सिर्फ ग्रीन लिस्ट वाले कोर्सेज में। अगर आपका फोर्स ग्रीन लिस्ट में है तो जितनी ड्यूरेशन का आपका फोर्स है उतनी ड्यूरेशन का आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग जैसा फोर्स इज ऑन ग्रीन लिस्ट, सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा 2 साल का होता है तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट डिप्लोमा के बाद 2 साल का मिलेगा। सो मेरी हर एक स्टूडेंट को सजेशन है अगर आप न्यूजीलैंड में स्टडीज़ के बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लेना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपका पोस्ट ग्रीन लिस्ट में ज़रूर हो। एंड जॉनसन बच्चे बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर्स में किसी भी स्टूडेंट को ग्रीन लिस्ट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने न्यूजीलैंड में बैचलर्स की है तो आप ऑटोमेटिकली पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है। न्यूजीलैंड में बैचलर्स 3 साल की होती है तो आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा। सो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्लस टू वाले बच्चे जौन से डिप्लोमा में अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपका डिप्लोमा ग्रीन लिस्ट में है तो आपकी डिप्लोमा की जितनी ड्यूरेशन है 2 साल की डिप्लोमा की ड्यूरेशन होती है तो 2 साल का आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा इफ़ योर फोर्स इज ऑन ग्रीन लिस्ट। अगर आपने बैचलर्स करने जाना है न्यूजीलैंड जो कि बैचलर्स 3 साल की होती है, यू आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। अब बात करते हैं प्लस टू वाले स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी की वीज़ा किन स्टूडेंट्स का आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूजीलैंड भी ऑस्ट्रेलिया की तरह आपका रेलिवेंसी पे फोर्स रेलिवेंसी पे वीज़ा डिपेंड करता है। अगर आपने यहाँ पे इंजीनियरिंग की है तो अगर आप न्यूजीलैंड जाके बिजनेस का कोर्स ले लेते हैं आपका एम्बेसी से इंटरव्यू आ जाएगा, वीज़ा चांसेस इन ऑलमोस्ट 0। आप रेलिवेंसी पे ही अप्लाई कीजिए। अगर आपने इंडिया में कॉमर्स की है तो बिजनेस वाला पोस्ट लीजिए, अगर आपने इंडिया में प्लस टू नॉन मेडिकल है तो इंजीनियरिंग के कोर्सेज लीजिए, अगर आपने मेडिकल की है तो आप मेडिकल स्ट्रीम से रिलेटेड या नर्सिंग से रिलेटेड कोर्सेज लीजिए।
रेलिवेंस न्यूजीलैंड में काफ़ी अच्छे तरीके से स्टेक होती है। सो अगर आप न्यूजीलैंड जाके मास्टर्स करना चाहते हैं सो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है डेट इज योर ग्रेजुएट डिप्लोमा और मास्टर्स मीटिंग। न्यूजीलैंड में ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है अराउंड 1.5 ईयर का। अगर आप लेवल 8 या लेवल 9 से 1.5 ईयर का ग्रेजुएट डिप्लोमा करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हैं 3 ईयर्स के फोर्स स्टडी वर्क परमिट पे। अगर आपने अपनी न्यूजीलैंड से मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करनी है 2 साल की तो अगेन आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपका पोस्ट इस पे है कि नहीं। अगर मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ, अगर आप न्यूजीलैंड में मास्टर्स के लिए स्टडी करना चाहते हैं आप लेवल 8 लेवल 9 के कोर्सेज के लिए अप्लाई कीजिए न्यू की 1.5 ईयर के होते हैं एंड आप मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई करें इंडिया जो कि 2 साल की है। इन तीनों कोर्सेज में अगर आपने कोई भी कोर्स किया है या कोई भी आपने स्टडी की है अगर वो ग्रीन लिस्ट में नहीं भी है तो भी आप 3 साल के पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं। सो अगर हम मास्टर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट की बात करें ओवरऑल 6 विद नो लेस देन 5.5, काफ़ी यूनिवर्सिटीज मास्टर्स कोर्सेज में एडमिशन दे रही हैं, लेवल 8 में एडमिशन मिल रही है। तो अगर आप मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 6.5 विद नो लेस देन 5.5 के साथ आप मास्टर्स डिग्री में अप्लाई कर सकते हैं। अगेन मास्टर्स के कोर्सेज के लिए भी रेलिवेंसी का होना ज़रूरी है। प्लीज़ ऐसा कंसल्टेंट चूज़ कीजिए जो आपकी फाइल आपकी रेलिवेंसी के साथ कंबेसी एज वेल एज कॉलेज में शो करे। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा की फाइनेंशियल सेक्शन की तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। सो कम से कम स्टूडेंट्स को अपने फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस शो करनी पड़ती है और 1 ईयर के लिविंग एक्सपेंसेस एज वेल एज रिटर्न एयर फेयर टिकट शो करनी पड़ती है। ये तीनों चीज़ें मिला के कम से कम 25 लाख रुपये हर एक स्टूडेंट के अकाउंट में होना चाहिए। ये 25 लाख रुपये 180 डेज ओल्ड होने चाहिए या 6 महीने पुराने होने चाहिए। सो ये फंड्स आप FD के फॉर्म में, सेविंग्स के फॉर्म में, या अगर आपके पास करंट अकाउंट है या किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स करंट अकाउंट में ऑपरेट करते हैं तो विद प्रूफ आप शो कर सकते हैं। सो आप कौन कौन स्पॉन्सर कर सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये नहीं रिकमेंड करूँगा कि मल्टीपल स्पॉन्सर्स हो हर एक स्टूडेंट के। कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, इवन एम्बेसी में कन्फ्यूजन हो जाती है, एक ही स्टूडेंट को 3 से 4 लोग स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। सो न्यूजीलैंड एम्बेसी ने नया इंप्लीमेंटेशन लगाया है कि आप सारे के सारे फंड्स एक ही अकाउंट में शो पीने। अगर फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स मम्मा पापा चाचा चाची इवन उसके नाना नानी स्पॉन्सर कर रहे हैं तो अगर आपको एक अकाउंट चैनलाइज करना है आप अपने सारे फंड्स एक अकाउंट में डलवा के शो करवाइए। सो ऐसे उन्होंने अब एक ही अकाउंट में आपके फंड्स एक्सेप्ट करने हैं। सो आई विल रिकमेंड कि हर एक स्टूडेंट जो न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा अप्लाई करने लगा है एक ही अकाउंट में अपने फंड्स शो करे। अगर किसी स्टूडेंट के रिलेटिव्स ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के सिटीजन हैं तो वो भी अपने अकाउंट में फंड शो करवा सकते हैं। उनकी अकाउंट स्टेटमेंट के लिए भी रिक्वायरमेंट सेम है, 180 डेज ओल्ड या 6 महीने पुराने फंड्स होने चाहिए। सो दैट्स द न्यू एडिशन। अगर किसी भी स्टूडेंट के फॉर एग्जाम्पल नाना नानी चाचा चाची कोई भी डिस्टेंट रिलेटिव इवन उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी अगर न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन है वो भी अपने अकाउंट में फंड शो करवा सकते हैं। एज इट इज़ एक्सेल सेटल अब्रॉड एक्सेप्ट कर रहा है एप्लीकेशन फॉर जुलाई इनटेक। अगर आप जुलाई इनटेक में न्यूजीलैंड जाके स्टडी करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन के नीचे नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या अपनी नियरेस्ट एक्सेल सेटल अब्रॉड ब्रांच विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।